हेलो व्यूअर्स, पाक भारत टाकरे का दिन आ गया और पाकिस्तान टीम जो है वो प्रेमा दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान टीम का प्रोटोकॉल, पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड के साथ पाकिस्तान टीम की बस पहुंची है प्रेमा दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और पाकिस्तान टीम के लिए आज बड़ा दिन, पाक भारत टाकरा जिसका इंतज़ार इंडिया में बसने वाले शायकीन को है। तो पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी नीचे उतर रहे हैं और पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कमाल की लग रही है और बहुत कॉन्फिडेंट है आज के इस बड़े टाकरे को लेकर। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी प्रेमा दासा नीचे पहुँच चुके हैं, शाहीन नीचे उतरे हैं और कोचिंग स्टाफ और तमाम खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर स्टेडियम से निकलना शुरू हुए। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी बस नीचे उतर रहे हैं, बड़ा दिन है आज तमाम खिलाड़ियों के लिए। और पाकिस्तान टीम आज प्लेइंग 11 भी पाकिस्तान ने कल से ही अनाउंस कर दी थी। भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान टीम ने इस एशिया कप में हमने देखा है कि एक दिन पहले ही बाबर 11 अनाउंस कर दी जाती है। कप्तान बाबर आजम बस से नीचे उतर रहे हैं, उनके पीछे नायब कप्तान शादाब खान भी मौजूद हैं। कप्तान और नायब कप्तान दोनों एक साथ बस से नीचे उतरे। इफ्तिखार अहमद के पीछे साउथ टीम मैनेजर और इमामुल हक आरिस राव, फखर जमान का आज मुझे दिल लगता है, बड़े मैच का प्लेयर है और हमेशा जब ये खेलते हैं ज़बरदस्त जूनियर जो कर रहे हैं, उनके साथ नसीम शाह फकीम अशरफ आज जो है रहे हैं भारत के खिलाफ। और यहाँ पे सामा मीर नीचे उतरे हैं, मोहम्मद नवाज को खिलाया गया है, पहले मैच में मोहम्मद नवाज खेले थे। आगा सलमान ऑलराउंडर हैं, आज प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, लेकिन आखिर आगा सलमान ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान टीम प्रेमा दासा स्टेडियम में पहुंची और कमाल की बॉडी लैंग्वेज सारा।